बात यह है कि मुझसे बड़ा इनका सिंपथाइजर कोई नहीं कि लोग जो हैं एमडी, क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे दोस्त अहबाब, हम लोग पैदा इनमें हुए, तो सारे असल तो वही था ना हमारा। वी आर द ओनली वन हु आर ऑन द राइट पाथ एंड वी आर द ट्रू मुस्लिम अहमदीयत इज द ट्रू इस्लाम एंड वी आर द चोजन पीपल। क्यों कि हमने बकर के इमाम को मान लिया। एमडी लोग अगर मिर्जा साहब की किताबें पढ़ लें तो यकीन कीजिए थोड़ी सी अकल रखने वाला आदमी भी, हालांकि वो बड़ी उन्होंने जुबान ऐसी इस्तेमाल की हुई है उस दौर की जो उर्दू है उसमें फारसी और अरबी का बाकायदा एक मेजर पोर्शन है, अल्फाज इस्तेमाल किए हुए इन्होंने, तो वो थोड़ी सी मुश्किल तरह का पेश आती, लेकिन इंसान समझ आता है। मैंने उनकी किताबें 3-3 दफा पढ़ी और मुझे उनकी किताबों में वो झूठे नहीं लगे कहीं। जो जिस तरीके से मैंने उनका एक सफर देखा है जिंदगी का, क्योंकि वो एक इस्लाम का दिफा करने वाले इंसान थे, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपने ये जो दावा उन्होंने किए थे मैदी होने के और बाकी जो उनके दावा थे, और वो अपने इलाके में एक मानी जानी शख्सियत थे इसी लिहाज से कि उन्हें माना जाता था कि ये इस्लाम के एक अच्छे डिफेंडर है। क्योंकि वो मुसलमान घराने में पैदा हुए थे मिर्जा साहब, उनका रुझान जो था वो दीनी तालीम, मतलब दीन की तरफ था, तो उस वजह से उनका ये जो इस्लामिक इल्म है ये काफी एनहेंस हुआ, उस वजह से वो लोगों के अंदर जाने पहचाने जाते रहे।